नमस्कार जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट तरीके से। केरल में निपा वायरस का एक और केस मिला, एक्टिव केस बढ़कर 4 हुए, 2 की मौत। कर्नाटक ने सीमा से जुड़े जिलों में बढ़ाई निगरानी। अनंतनाग में 4 दिन से एनकाउंटर, एक और जवान शहीद। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी, ड्रोन रॉकेट लॉन्चर से की जा रही बमबारी। मणिपुर हिंसा अंतर्गत एडिटर्स गिल्ड मेंबर्स की गिरफ्तारी, 2 हफ्ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इनके खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनता है। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, नेपाल से आ रही बस बिजनौर में कोटावली नदी पर फंसी, 53 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन चांद पर बना रहे हैं पानी, वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के डेटा स्टडी करके दावा किया, चंद्रयान 3 का लक्ष्य भी पानी खोजना है। चंद्रबाबू का दावा, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं, कोर्ट में दायर की 2 जमानत याचिका, सीआईडी का जवाब न आने से आज सुनवाई नहीं। शहीद मेजर आशीष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मेजर भाई ने मुखाग्नि दी, अंतिम यात्रा में हाथ जोड़े रही माँ, बहन करती रही सैल्यूट। बागमती नदी में 12 जिंदगियां डूबी, लोग चिल्लाते रहे बच्चों को बचा लो, एक एक करके डूबते गए, 3 शव निकाले गए। इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई, थ्रस्टर फायर किए गए, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर हुई। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित, डीलर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार ने बनाई कमेटी, 10 दिन में देंगे रिपोर्ट। शहीद कर्नल मनप्रीत को बेटे ने मुखाग्नि दी, 7 साल का मासूम आखिरी बार बोला पापा जय हिंद, पत्नी ताबूत पर सिर रखे रोती रही। तेलंगाना में पटेल की विरासत पर जंग, 17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और जनसभा, इसी दिन भाजपा करेगी बड़ी रैली। 80% कंपनियों को काबिल लोग नहीं मिल रहे, इसलिए उम्रदराज को ले रहे, 41 देशों में 38,833 कंपनियों के सर्वे में सामने आया। हिमाचल में मणिपुर जैसी घटना, पहले महिला के बाल काटे फिर मुंह काला कर गांव में घुमाया, 5 लोग गिरफ्तार। दलित पिता बेटी और दामाद की हत्या, बेकाबू भीड़ ने 8 घरों को फूका, 4 जिलों की फोर्स पहुंची, 2 किलोमीटर का एरिया बना छावनी। नू हिंसा मामले में कांग्रेस MLA जयपुर से गिरफ्तार, पुलिस बोली मामन खान दंगाइयों के संपर्क में थे, आसपास लोकेशन मिली, धारा 144 इंटरनेट हुई बंद। अवैध संबंध में धीरज रवानी की हुई हत्या, बरोरा पुलिस ने किया खुलासा, धनबाद का मामला। बोकारो के गोमिया प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैठक का पंचायत समिति सदस्यों ने किया बहिष्कार। पलामू के कारीमाची घाटी में आधा दर्जन वाहन के यात्रियों से हुई लूटपाट, चालक को भी मारी गोली। नई तकनीक अपनाने के साथ साथ पुरानी इंजीनियरिंग को ना भूले, अरुण कुमार सिंह ने अभियंता दिवस पर कहा। गिरिडीह के किरण पब्लिक स्कूल की बस से बाइक सवार की हुई मौत, स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को दिया मुआवजा। देवघर रिंग रोड निर्माण की मंजूरी, 2,000 करोड़ खर्च की स्वीकृति। कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस का विस्तार, राजकोट तक होगा, धनबाद के यात्रियों को मिलेगा लाभ। ईडी समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। धनबाद में 21 ASI समेत 275 पुलिसकर्मी का तबादला, आदेश हुआ जारी। चतरा में सनकी युवक ने पत्नी और मां को जिंदा जलाया, पत्नी की मौत, मां की हालत गंभीर। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अब 18 सितंबर को, ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सीएम, ईडी पूछताछ के लिए जारी कर चुकी है 3 समन। झारखंड में हो रही झमझम बारिश, 17 सितंबर के बाद आसमान होगा साफ, मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया है अलर्ट। बच्चों को शौच के लिए जाना पड़ता है घर, स्कूलों की सफाई के लिए हर माह मात्र 200 रुपए, टॉयलेट गंदा ना हो इसलिए छात्रों को नो एंट्री। पंप खराब होने से जल संकट, पीने का पानी खरीदा, मरीजों को भी सुलभ शौचालय जाना पड़ रहा है, सदर अस्पताल की घटना। हड़ताल पर कोल श्रमिक, 5 श्रमिक संगठनों ने बैठक में लिया फैसला, 5 से 7 अक्टूबर तक ठप रहेगा कोयले का उत्पादन।